ऑन द स्क्रीन इज स्ट्राइटेड मसल्स आर लोकेटेड इन ऑल द फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेप्ट। देखिए जब भी हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो वो काम क्या करती है, वॉलेंट्री वर्क करती है, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, वो हमारी इच्छा से ही काम करेंगी, दे आर नॉट इनवॉलेंट्री, दे आर वॉलेंट्री, हमारे विल से काम करेंगी, हम उनसे अपना काम करवा सकते हैं। जैसे मैं ये लोकोमोशन कर रही हूँ, ये मेरी इच्छा से कर रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ टंग से, तो टंग भी एक स्केलेटल मसल है जिसकी सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके अंदर लिखा है कि जो स्ट्राइटेड मसल्स है, तो जब हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, हम बात करें किसकी बात करेंगे, हम स्केलेटल मसल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर हम इस पे इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल हमारे लिम्स में होती है, बिल्कुल होती है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में होती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रेस नहीं होगा, इट शुड बी फेस, यस इट इज फेस, फेस एंड नेक रीजन में यहां पर जो प्रेजेंट है वो भी हमारी है, बिल्कुल सही है, स्ट्राइटेड ही है। एब्डोमिनल वॉल एंड आर्म, एब्डोमिनल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो एब्डोमिनल वॉल में पाई जाती है स्मूथ मसल, वॉल रीजन में स्मूथ मसल, और इस वजह से जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो सभी जगह हैं, आर्म्स में भी हैं हमारे, बट वो एब्डोमिनल वॉल में नहीं है। ये हमारा थॉरेक्स वाला रीजन है, ये एब्डोमिनल वाला रीजन है, एब्डोमिनल वॉल वाले रीजन में स्मूथ मसल्स है और बाकी एब्डोमिन वाले रीजन के अंदर स्केलेटल मसल्स देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन,